गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा। कहा, लापरवाही बरतने वाले विकास प्राधिकरणों की तय की जाएगी जवाबदेही। चिलुआताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मजनू चौकी क्षेत्र के उसका गांव निवासी 25 वर्षीय शिव उर्फ छोटू की सोमवार की देर रात की पीट कर की गई हत्या। युवक के पिता ने गांव के ही चार युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की कर रही है तलाश। गोरखपुर में 24 से 25,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी लगभग हुई पूरी, जिनका विवरण कोविड पोर्टल पर किया जा रहा है अपलोड। सीएमओ ने बताया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के पीछे टीकाकरण के केंद्रीकृत भंडारण की जा रही है व्यवस्था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व परिषद की अध्यक्षा मनीषा त्रिघाटिया ने राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने के संबंध में की चर्चा। कहा, 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक चलेगा निर्विवाद वरासत दर्ज करने का अभियान। बिलंदपुर में सोमवार की रात नशे में धुत शोहदों ने ड्यूटी से लौट रही स्कूटी सवार युवती को रोक कर की छेड़खानी। कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को किया गिरफ्तार, जुटी अग्रिम कार्रवाई में। वहीं इस मामले में युवती से अभद्रता करने वाले पीआरवी के सिपाही को एसएसपी ने किया निलंबित। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई खिचड़ी मेला की तैयारी बैठक। सभी विभागों को समय से तैयारी पूरी करने के दिए निर्देश। कहा, मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का रखा जाए ध्यान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। टीकाकरण के बारीकियों की दी गई जानकारी। कहा, टीका लगने के 30 मिनट तक होगी निगरानी, रिएक्शन पर रहेगी नजर। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हाल में आयोजित हुआ तहसील संपूर्ण समाधान दिवस। एसडीएम सदर ने कहा, अधिकतर आए बिजली और भूमि विवाद के मामले, कुछ मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, शेष के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया निर्देश। शासन ने LMV 24B व श्रेणी 6 के बिजली बिल बकायेदारों की सुविधा के लिए लागू किया COVID-19 एक मुफ्त समाधान योजना। सरचार्ज में मिलेगी 100% की छूट। रेलवे सुरक्षा बल के महिला आरक्षी प्रशिक्षुओं के 49वें बैच के दीक्षांत परेड का पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने किया निरीक्षण। ली मार्च पोस्ट की सलामी। कहा, महिला आरक्षी प्रशिक्षु भारत के सबसे बड़े संगठन में अपनी सेवाएं देते हुए राष्ट्र की सेवा में अपना देंगी उल्लेखनीय योगदान। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,547। अब तक 331 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 390 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपाइयों ने काली मंदिर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर किया पुष्प अर्पित दी श्रद्धांजलि। कहा, देश को एक सूत्र में पिरोने में सरदार पटेल की रही है महत्वपूर्ण भूमिका। और गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में 2 दिवसीय मंथन कार्यक्रम का 19 व 20 दिसंबर को होगा आयोजन। कार्यक्रम में शामिल होंगी सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, कला संस्कृति व पत्रकारिता जगत से जुड़ी जानी मानी हस्तियां। पूर्वांचल के विकास पर भी होगी चर्चा। प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने दी जानकारी।